हेलो दोस्तों, सबसे पहले जय हिंद एंड हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। कल का परेड देख के तो मज़ा ही आ गया। अब आते हैं काम की तरफ। तो कैसे हैं आप सब? मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट विशाल एंड आप देख रहे हैं केबी टेक न्यूज़। आज की टेक न्यूज़ में हम बात करेंगे कुछ अपडेट्स की एंड लॉन्चेस की एंड कुछ खास डेट्स की भी। तो पूरा देखें इस वीडियो को, अनाउंसमेंट कभी भी कहीं पर भी आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं ASUS की। तो ASUS ZenFone 4 सेल्फी का जनवरी 5 का सिक्योरिटी पैच लेवल आ गया है। स्पीड हुई है थोड़ी अच्छी एंड हुआ है कॉल स्क्रीन में थोड़ा चेंजेस। आइकॉन में भी बदलाव किए गए हैं जिसका पूरा रिव्यू मैं आपको अगले वीक दे दूंगा। अगली खबर है बोट की तरफ से। तो स्टोन सीरीज में एक और नया नाम जोड़ लीजिए जो कि है आपका स्टोन 700A। हालांकि स्टोन 700 भी काफ़ी अच्छा मॉडल था, बट इसमें आएगा आपका एलेक्सा वॉइस असिस्टेंट जो कि आपके यूज़र एक्सपीरियंस को और भी बेटर कर देगा। एंड इसकी प्राइसिंग रखी गई 3199 रुपीज़, जो कि एक मिडिल बजट के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ASUS ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर ROG फ़ोन जो कि गेमिंग बेस्ड था एंड प्राइसिंग काफ़ी स्टीप रखी गई थी जो है 69999। बट लगता है एक ब्रांड है जो इसको कंपटीशन दे सकता है काफ़ी कम दाम में एंड वो है Nubia, जो कि उतना पॉपुलर नहीं है इंडिया में, बट उसका रेड मैजिक मॉडल हो सकता है इस सोच को बदल दे, क्योंकि ये आता है एक अमेजिंगली स्टनिंग लुक के साथ जो देखने में काफ़ी यूनिक है। एंड ये सिर्फ आउटर लुक से ही स्टनिंग नहीं है बल्कि अंदर से भी उतना ही दमदार परफॉर्मर भी है। हालांकि ये आता है स्नैपड्रैगन 835 के साथ जो कि थोड़ा आउटडेटेड सा है, बट फिर भी ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देती है। इसमें कूलिंग के लिए एक नई टेक्निक का यूज़ किया गया है जो कि एयर कूलिंग सिस्टम जो कि एग्जॉस्ट फैन की तरह काम करता है। आज के डुअल लेंसेज की दुनिया में ये सिंगल लेंस फॉलो कर रहा है जो कि डाउनसाइड है, बट इसमें भी काफ़ी अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। बात करें इसके प्राइसिंग के, जो 29,999 काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है गेमिंग फोन के लिए। अब देखने लायक ये होगा कि इंडिया में ये कैसा परफॉर्मिंग कर पाती है। दोस्तों 29 जैन एंड 28 जैन, ये दोनों डेट इस साल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डेट्स में मोबाइल इंडस्ट्री में एक बड़ा इनोवेशन होने जा रहा है। क्योंकि 28 जैन को सैमसंग का M सीरीज़ हो जाएगा लॉन्च, जो आएगा फर्स्ट टाइम सैमसंग की तरफ से ड्यू ड्रॉप नॉच के साथ, जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी बट ऐसा होने जा रहा है, बट कुछ लोगों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है जो सैमसंग लवर्स है। दूसरा 29 जैन, इस दिन ऑनर अपना व्यू 20 फ्लैगशिप स्मार्टफोन कर देगा लॉन्च, जो आएगा एक नए फीचर के साथ जो होगा पंच होल कैमरा एंड ये क्रांतिकारी लॉन्च होगा। एंड पूरे इस साल हो सकता है कि ये ट्रेंड फॉलो होगा एंड सैमसंग के S10 को इसका पहला एग्जांपल बोला जा सकता है, क्योंकि खबर ये आ रही है कि ये आ सकता है डुअल फ्रंट पंच होल कैमरा के साथ एंड हो सकता है कि आईफोन भी इस ट्रेंड को फॉलो करे। इतना ही नहीं, ये आएगा 48 मेगापिक्सल के AI कैमरा के साथ, एक्साइटमेंट बनी रहेगी। MI का एक और साउंड बार हो गया है लॉन्च एंड प्राइस रखी गई है 4999 जो कि एवरेज प्राइस है एंड ये आता है बहुत सारे पोर्ट्स के साथ, यानी कोई भी डिवाइस हो ये उसे प्ले कर लेगा एंड ये स्पेशल TV को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, तो TV में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एंड ये आता है 8 ड्राइव सराउंड साउंड सिस्टम के साथ जो कि एक अच्छी बात है। PUBG का सीजन 5 आ गया है एंड थीम है फायर एंड इस बार लगता है कि अपने प्लेयर्स को पूरा लालच देने की कोशिश हो रही है कि कोई तो रॉयल पास खरीद ले, क्योंकि रॉयल पास में आपको कई सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं एंड इस बार सीजन गिफ्ट्स रिडीम के लिए आपको कलेक्ट करना होगा कार्ड्स जो काफ़ी मात्रा में आपको मिल जाएंगे एंड इजीली यूज कर सकेंगे आप उसे। वाइकेंडी को अभी भी बीटा वर्जन में ही रखा गया है एंड गेम में एक लेज़र भी डाला गया है एमिंग के लिए। हालांकि ये हेल्प कम करता है, नुकसान ज़्यादा, क्योंकि इससे आप जल्दी दिख जाओगे। एंड एक नया गन भी शामिल किया गया है जो कि म्यूटेंट MK47 जो कि बस शॉट है एंड सीजन का एंड 18 मार्च को है। तो ये था आज की टेक न्यूज़ में, कैसा लगा आपको? उम्मीद है कि पसंद आया होगा एंड अगर कुछ कहना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें एंड वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें एंड देखते रहिए KB Tech News।